दुनिया बदलना आसान नहीं होता, पर बदलाव शुरू होती है एक छोटी सी कोशिश से। कोशिशों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आए हैं कर्मयोग फाउंडेशन प्रेजेंट्स कर्मयोग मोमेंट्स एडिशन पौष पूर्णिमा 2016, जहां हम आपको लेकर चलेंगे एक 21st सेंचुरी कर्मयोग सफर में और दिखाएंगे फ्यू स्पेशल मोमेंट्स ऑफ आर कर्मयोग मिशन फ्रॉम पूर्णिमा टू पूर्णिमा। तो चले सबसे पहले टू द प्राइम मोमेंट्स। कोलकाता से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर बैद्यबाटी, जहां हुआ वन ऑफ इट्स काइंड स्किल ऑडिशन थ्रू द कर्मयोग जीवन जीविका कैंप। अपने हुनर को जांचने और एक करेक्ट दिशा के तलाश में भारी संख्या युवा इस कैंप का हिस्सा बने। यहां हमने टेस्ट किया कौन कितना फिट है, कितना स्थिर है, कितना होशियार है और किसकी बातों में कितना दम है, एंड ऑल दैट थ्रू अ 30 मिनट ओमनीडेल गेम जिसका नाम है जीवन जीविका खेल। दिस कैंप गेव द यूथ एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद द महाचार्य ऑफ कर्मयोग फाउंडेशन हु इज व्हीलिंग द जीवन जीविका इनिशिएटिव नेशन वाइड एज अ पार्ट ऑफ हिज कर्मयोग फॉर द 21st सेंचुरी मूवमेंट। তাহলে যদি দেশটাকে বদলাতে হয় তাহলে তো মানুষকে অনেক কিছু নতুন কিছু নতুনভাবে করতে হবে, নতুনভাবে করতে গেলে নতুনভাবে শিখতে হবে। তাহলে কীভাবে এক আন্দোলন করা যায় যাতে খুব তাড়াতাড়ি আমরা নতুন জিনিস শিখতে পারি, এইটা মনে হয়েছিল খুব দরকার যে দেশের প্রত্যেক যুবক এগিয়ে যাবে, দেশকে তৈরি করবে। এটা কাজের মধ্যে দিয়ে, কাজটা যদি আমাদের সাধনা হয় আর তার মধ্যে দিয়ে যদি এগিয়ে যেতে পারি, এগিয়ে গিয়ে কীভাবে এনলাইটেন হব, এই উদ্দেশ্য নিয়ে কর্মযোগ ফর 21st সেঞ্চুরি। कैंप के बाद पार्टिसिपेंट्स का रिस्पांस काफी जबरदस्त रहा। যোগ জীবন জীবিকা ক্যাম্পে এসে খুব ভালো লাগছে, নতুন ধরনের প্রক্রিয়াটা দেখলাম। খেলারও আয়োজন করা হয়েছিল, সেটার মাধ্যমে একটা কারোর এবিলিটি বা যাচাই করা হলো। তো ঈশ্বর গেমের মাধ্যমে আমি বুঝতে পারলাম যে আমার কোথায় খামতি আছে এবং সেই খামতিগুলো যাতে ভবিষ্যতে না হয় সেটা চেষ্টা করব। With over 300 registrations and a larger turnout, Jeevan Jeevika Camp was a huge success. बैद्यबाटी से जो स्किल ऑडिशन शुरू हुआ, एनएसडीसी के मदद से अगले कुछ महीनों में हम इसे देश के हर कोने तक लेकर जाएंगे। इतना ही नहीं, कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी मूवमेंट को पंख देते हुए टाटा ट्रस्ट हैज जॉइन हैंड्स टू ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन इन स्किल डेवलपमेंट एंड सोशल अवेयरनेस। अब चलते हैं कर्मयोग फाउंडेशन के म्यूजिक अकेडमी, आवर फेवरेट इंडियन आइडल अकेडमी में, जहां हम देश भर के म्यूजिक लवर्स को ट्रेन कर रहे हैं विद लेजेंड्स लाइक हरिहरन, सलीम, अलका याग्निक एंड कविता कृष्णमूर्ति। इंडियन आइडल अकेडमी में लास्ट मंथ खूब धमाल हुआ विद बैक टू बैक क्वायर कैंप्स ऑर्गेनाइज्ड एट कोलकाता एंड गुवाहाटी थ्रू आउट दिस फेस्टिव सीजन। जीवन जीविका खेल की तरह क्वायर कैंप भी हमारे स्किल अभियान का एक हिस्सा है। 5 दिन चलने वाली इस कैंप के थ्रू इंडियन आइडल एकेडमी सर्टिफाइड म्यूजिक मेंटर्स ने इन ट्रेन सिंगर्स को एक बेटर परफॉर्मर बनने का रास्ता बताया। लाइफ हमारी लाइफ जो है इमोशंस की स्टोरी। कोलकाता और गुवाहाटी में बच्चों ने जम के पार्टिसिपेट किया और खूब मस्ती भी की। क्वायर कैंप के आखिरी दिन में उन्हें अपने पेरेंट्स के सामने परफॉर्म करने का मौका भी मिला। पेरेंट्स भी इंडियन आइडल एकेडमी के इस पहल से काफी खुश थे। आपको जानकर खुशी होगी कि हर बच्चे को गाते और मुस्कुराते देखने का हमारा सपना अब 60 शहरों में पहुँच चुका है। यस, इंडियन आइडल एकेडमी इज 60 सिटी स्ट्रॉन्ग नाउ। हाल ही में सूरत, अमरावती और लखनऊ में इंडियन आइडल एकेडमी लॉन्च हुआ, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के दक्षिणेश्वर में एकेडमी का पहला मेंटर स्टूडियो जंक्शन भी लॉन्च हुआ है।
इसी बीच न्यूयॉर्क के अवसर पर शिल्पकला प्रोग्राम के साथ क्राफ्ट डिस्कवरी प्रोग्राम का भी ओपनिंग हुआ। इस वर्कशॉप को गाइड किया चंद्रबिंदु बैंड के लीड सिंगर उपल सेन गुप्ता ने, जो एक ब्रिलियंट सिंगर होने के साथ साथ एक जीनियस आर्टिस्ट भी हैं। एक्साइटमेंट अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। लास्ट मंथ वी हैड अ वेरी स्पेशल फ्रेंड इंस्पायर्ड बाय आवर महाचार्य श्री सौरभ जे सरकार। Heather Lyle had come all the way from Los Angeles just to understand the Karmayog for the 21st century movement more closely from the Mahacharya himself. अपने busy schedule के बावजूद Heather ने आश्रम में काफी समय बिताया और Mahacharya जी से उन्हें भारतीय संस्कृति तथा Karmayog के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। So the first thing I want to start with a little bit of is anatomy and physiology of singing. Because it's something that we don't always learn. जाते जाते वो हमें कुछ सिखा के भी गई। Heather Lyle ने Bengali industry के top singers के साथ एक vocal session किया, जहाँ she taught the singers specific practices to enhance their vocal capacity. It was a celeb-studded class with chartbuster singers like Anupam Roy, Cactus-famed Sidhu Da, and Chandrabindu's Upal Sen Gupta were present. Being a supporter of the Karmayog for the 21st century herself, Heather shared her vision about the movement too. First time I walked out on the greens, I thought to myself, oh boy, there would be a lot of Americans that would love to come and be involved in this. They'd love to stick their hands in the dirt. They'd like to learn about organic farming. There's so many things, skills that they could bring themselves to join the Karmayog movement. It actually is a movement that's happening. Amidst all these activities, last month, bahut kuch exciting launch bhi hua at Karmayog. Let's quickly take a look in our next section, the launches. In the last Purnima cycle, we launched various Shilpakala programs on Tabla, Music for All, and the much-needed spoken English course, English for All. Among our upcoming launches, we have Jago sessions on Rhythm and Beat, Fit for Life program on Health and Lifestyle, along with Jeevan Jeevika vocational courses to empower back slum dwellers into the mainstream economy. Apart from this, we are all set to launch a special membership-driven community building project, Come Let's Grow. With the release of the zero edition of the Karmayog for the 21st century, a member's book which will chart the journey of the Karmayog movement. Ab waqt ho chala hai for the awaited section, Founders Speak, where the founder of Karmayog Foundation shares a special message with you every month. Over to Mahacharya Shri Saurav J. Sarkar. Namaskar, bahut khushi ki baat hai, extremely happy to be back with all of you again. Ek aur Purnima ke avsar par. Haal hi ki baat hai, achanak ek din man mein ek prashn aaya ki desh ka boundary sabko pata hai, kahan khatam hota hai desh, ye sabko pata hai. Par desh shuru kahan se hota hai, ye prashn jab man mein jaga, फिर जब उत्तर निकल के आया तब बड़ा मज़ा आया। लगा कि देश की शुरुआत हम सब के लिए अपने आप से है। हम जहाँ भी खड़े होते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, देश तो वहीं से शुरू होती है, ख़त्म बाउंड्री पे होती होगी। इस तरह से जब हम Karmayog फॉर 21st सेंचुरी या Karmayog आश्रम की बात करते हैं, तब भी पता चल गया कि Karmayog आश्रम एक्चुअली है कहाँ। ये तो कोई, इसका बाउंड्री तो कहीं पर है नहीं। कहाँ शुरुआत होता है, जहाँ से भी हम गुजरते हैं, जहाँ पे ठहरते हैं, जहाँ आप गुजरते हैं, जहाँ आप ठहरते हैं, आपके लिए आपका Karmayog वहीं से शुरू होता होगा। पर इसका बाउंड्री तो कहाँ है बोलना मुश्किल है, लेकिन बांधना भी ज़रूरी होता है। और इसीलिए हम Karmayog आश्रम की बात जब करते हैं तब इसके बाउंड्री की बात आ ही जाती है। तो मज़े की बात यह है कि हाल में हमारे भी Karmayog आश्रम की बाउंड्री एक नई तरह से बन गई। पहले एक छोटा सा बाउंड्री हुआ करता था, अभी वहाँ से निकल के एक 8.5 acre की एक कैंपस हमें कहीं से मिल गई और वहाँ पे हमारा Karmayog आश्रम का ओमनिडल ग्रीन विलेज नाम से एक कैंपस बनना चालू हो गया। तो बड़ी तेज़ रफ्तार से यह बन रही है। वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड एंड आप आज न्यूज़ आइटम में और इस ऑडियो विजुअल के ज़रिए में इसके बारे में बहुत कुछ सुने होंगे, पर इस पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग
कर्मयोग आश्रम के इस ओमनीडल ग्रीन विलेज पे जो नया एक संस्कार की उद्घाटन किए वो ये है द्वार पूजा का, क्योंकि हम ग्रीन विलेज को सन और मून के साइकिल के साथ सिंक्रोनाइज कर रहे हैं. सो एवरी डे स्टार्ट्स विथ सनराइज एंड क्लोजेस विथ सनसेट. तो सूर्योदय होता है तो हम सब विलेज के द्वार पर पहुंचते हैं और उस द्वार पे एक साथ मिलकर शंख बजाकर द्वार पूजा के साथ हम लोगों का जो कर्मयोग का मंत्र है एक साथ मिलकर इसकी उच्चारण करते हुए सूर्य को ऊपर उठते हुए देखते हैं और द्वार को खोल देते हैं. और फिर सूर्यास्त के समय शंख ध्वनि के साथ धूप जलाते हुए दिया जलाते हुए मंत्र उच्चारण करते हुए हम सूर्य मामा को अलविदा कहते हैं और अपना विलेज के गेट भी बंद कर देते हैं. बड़े मज़े की बात है कि आसपास के लोग द होल कम्युनिटी इज़ गेटिंग टुगेदर एंड इट इज़ इंट्रीगिंग एवरीवन बिकॉज द आश्रम द विलेज इज़ राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी. एयरपोर्ट से शहर के और आते हुए एकदम मेन रोड के ऊपर से एक गांव शुरू हो जा रहा है. गांव का नाम है ओमनीडल ग्रीन विलेज ऑफ कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी. तो आप सबको जान के अच्छा लगेगा. यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आप सबके लिए ये एक अच्छा कैंपस बन रहा है, कुछ हद तक बन गया है. एंड द आइडिया ऑब्वियसली इज कि इस तरह की ओमनीडल ग्रीन विलेज फ्रॉम कर्मयोग फॉर द 21st सेंचुरी हर शहर में छा जाएंगी. जहाँ पर भी जगह मिल गई वहीं पर हम कम से कम इसकी स्पिरिट को लेकर इसको बनाना शुरू कर सकते हैं. एंड दैट इज़ द आइडिया ऑफ द जर्नी फ्रॉम मूविंग फ्रॉम इंडियन आइडल एकेडमी जिसके ज़रिए बहुत लोग हमारे करीब आए थे. नाउ स्लोली वी आर एक्सपेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इट इज़ टू बी अ कर्मयोगी इन द 21st सेंचुरी. कर्मयोग मोमेंट्स एडिशन पोष पूर्णिमा में फिलहाल इतना ही. नेक्स्ट पूर्णिमा वी विल कम बैक विद मोर न्यूज मोर अपडेट्स एंड मोर सेवा. टिल देन लेट्स कर्मयोग.